नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कि साइन बोर्ड में जो टेक्स्ट गिरते हैं वो हम लोग कैसे बना सकते हैं, और ये भी बहुत वायरल है एंड देन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी ये चल रहे हैं। तो बहुत ही ईजी वे में मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से फॉलन टेक्स्ट आप दिखा सकते हो या टेक्स्ट जो टूट के गिरता हुआ सा है वो कैसे बना सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स में, एंड देन वो भी विदाउट प्लगइन्स। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है जो मैंने कैप्चर किया था मेट्रो स्टेशन की। तो सिंपली इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ एंड देन अपना एक न्यू कॉम्प क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे फर्स्ट तो आपको यही काम कर लेना है, एंड देन मुझे क्या करना है, सिंपल सा इसको मैं ट्रैक करता हूँ। तो सिलेक्ट कर लो आप एंड देन यहाँ पर जाकर आपको ले लेने हैं ट्रैकर। सी तो ट्रैकर में आपको ले लेना है यहाँ पे ट्रैक कैमरा। तो सिंपल सा क्लिक कर दो ट्रैक कैमरा, कुछ देर के लिए ये एनालाइज करता है एंड देन फिर से ट्रैकिंग स्टार्ट कर देगी ये। तो हमारा यहाँ पे ट्रैकिंग हो चुका है एंड देन मैं इसकी थोड़ा सा ट्रैकिंग पॉइंट के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये हमारा ट्रैकिंग पॉइंट आ चुके हैं यहाँ पे। एंड देन इवन दो हमारा यहाँ पे टारगेट भी आप देख सकते हो टारगेट की साइज़। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, जो मेरा बोर्ड है मैं इसमें से फॉलन टेक्स्ट बनाने वाला हूँ, मीन्स फॉलिंग वाले जो टेक्स्ट है फॉलिंग टेक्स्ट वो बनाने वाला हूँ। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, ये हो जाने के बाद सबसे फर्स्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है कंप्लीट बोर्ड को कुछ ऐसे जैसे भी यहाँ पे हैं, राइट। तो थोड़े से ये हमारा ठीक है, हमारा जो प्रोजेक्शन है वो कंप्लीट ठीक है, प्रोजेक्शन इन द सेंस हमारा जो टारगेट साइज़ है वो प्रॉपर है। एंड देन मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ से मैं ले लेता हूँ सॉलिड एंड कैमरा। तो अगेन सॉलिड एंड कैमरा आपको ले लेने हैं, सॉलिड के साइज़ को थोड़ा सा आप इंक्रीज़ कर दो। तो आर प्रेस करो, आई मीन एस प्रेस करो एंड देन एस, तो एस प्रेस करके आप थोड़े से साइज़ को इंक्रीज़ कर लो, कुछ इतने बोर्ड से थोड़े से बड़े ही होने चाहिए। तो मैंने कुछ इतना बड़ा साइज़ रख लिया है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे क्या करो, इसकी ओपेसिटी को कम कर दो। सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हाइड कर देता हूँ इसे एंड बट इसको सिलेक्ट करने हैं बिकॉज मास्क करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ पेन टूल पे एंड देन सिंपल वे में मैं इसको मास्क कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। सी जस्ट लाइक एक यहाँ पे मैं बना लेता हूँ क्लीन प्लेट काइंड ऑफ, ओके। तो प्रॉपर वे में आपको मास्क कर लेने हैं यहाँ पे कुछ ऐसा। तो आपको इसके अंदर में ही ये बोर्ड दिखाई देंगे कुछ इस तरह के, ओके। एंड देन कलर चेंज करने हैं तो आपको यहाँ पे फिल ऐड कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ इफ़ेक्ट्स में एंड देन इफ़ेक्ट्स में ले लेता हूँ मैं फिल। तो यहाँ पे आपको ले लेना है फिल, सिंपल सा चले जाओ फिल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इसके ऊपर, बिकॉज ऑफ कि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट कलर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एंड देन ये कलर को पिक कर लेता हूँ। सी सेम कलर मुझे चाहिए, ओके। तो मैं इस बोर्ड के कलर को मैंने पिक कर लिया है, तो आप देख सकते हो। तो क्लीन प्लेट यहाँ पे बन गया, मीन्स मैंने एक तरह से हाइड कर रखा है उसे। अब आपको करना क्या, इस फुटेज से ना वो टेक्स्ट निकालने हैं। तो बेटर होगा क्या कि आप यहाँ पे जाओ एंड देन सर्च करो, मैंने हाइड कर दिया अभी के लिए। एंड देन मान लो कि मुझे ये वाले जो चीज़ है ना इसको मुझे लेके जाने हैं फोटोशॉप में, राइट। तो फोटोशॉप में जा रहे हो तो सिंपल सा क्या करो, इसको पहले VLC में प्ले कर दो जैसे मैं बेसिकली करता हूँ एंड देन इसी वाले जो फुटेज है ना फुल स्क्रीन में इसको स्निपिंग टूल से, तो स्निपिंग टूल से आप इसको पूरे का पूरा कैप्चर कर सकते हो, पूरे स्क्रीन को आप स्नैपशॉट ले सकते हो। तो सिंपल सा आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करो एंड देन स्निपिंग को ले सकते हो। तो ये स्निपिंग जो टूल है ना इससे आप यूज़ में ले सकते हो एंड देन ले सकते हो, कुछ कट कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे ये फुटेज निकालना है, ये वाले चीज़ मुझे लेने हैं कैप्चर करने हैं, इमेज कैप्चर कैसे करना है आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो मैंने क्या किया, इसको सिंपल सा मैं क्या किया, VLC मीडिया प्लेयर में इसको प्ले कर लो। जैसे ये देखो मैंने क्या किया, VLC मीडिया प्लेयर पर मैंने इसको प्ले कर लिया। तो ये वाले फुटेज मुझे निकालने हैं, तो ये वाला मुझे यहाँ पर कैप्चर करने हैं। तो मैं प्रिंट स्क्रीन से भी ले सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट स्क्रीन करो। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो स्निपिंग आ गया है एंड देन इससे आप इसको इस तरह से कैप्चर कर सकते हो एंड देन इसको फोटोशॉप में ले जाकर एडिट कर लेता हूँ मैं। तो ये मैंने कुछ स्नैपशॉट ले लिया कुछ ऐसा जो मुझे चाहिए था। अब मुझे करना क्या है ना, ये जो मुझे यहाँ से बोर्ड निकालने हैं, आई मीन टेक्स्ट निकालने, इसी टेक्स्ट को मैं वहाँ पर अप्लाई करूँगा, फाइन। तो सिंपल वे में मुझे करना क्या है, यहाँ पर चले जाओ
एंड देन जो एक एक टेक्स्ट है ना उसको आप कॉपी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया यहाँ पे सिंपल वे में, मैं यहाँ पे सारे टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मैजिक वॉन्ड टूल से, मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ ऐसा, जस्ट क्लिक कर दो शिफ्ट या फिर ऐड सिलेक्शन में चले जाओ एंड देन सभी को सिलेक्ट कर लो आप ऐसे, फाइन। तो मैंने कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लिए, इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड देन आप चाहो तो टॉलरेंस बढ़ा लो 50 बिकॉज आपकी प्रॉपरली यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप कर लो टॉलरेंस बढ़ा लो एंड देन कंट्रोल जे कर दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट कुछ ऐसे आ गए हैं, यही मुझे टेक्स्ट चाहिए जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कुछ ऐसा, फाइन। तो सबसे फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, एंड देन ये भी मुझे चाहिए एज अ रेफरेंस के लिए मुझे चाहिए होगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से सारे टेक्स्ट को इरेज कर देता हूँ एज अ रेफरेंस बिकॉज ऑफ की बोर्ड के अकॉर्डिंग मुझे एनिमेट करने हैं। सिंपली मैं इसको क्लिक कर देता हूँ पहले तो, ठीक है, यहाँ पे आ गया ऐसा कुछ, सिलेक्शन में चले जाओ, सिलेक्शन में जाके यहाँ मॉडिफाई में जाकर थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, मैं कर लेता हूँ 2 या 3 पिक्सल, नाउ दिस इज़ फाइन। एंड देन एडिट में जाओ एंड देन यहाँ पे कंटेंट अवेयर फिल को क्लिक कर दो, ठीक है, आई मीन जस्ट क्लीन प्लेट बनने के लिए काफ़ी है, देन हिट ऑन ओके बटन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है, फर्स्ट कंट्रोल ई कर दो, मर्ज कर दो दोनों लेयर को एंड देन यहाँ से थोड़े से क्लीन कर लो आप। तो ये एज अ रेफरेंस मैं रख रहा हूँ वहाँ पे बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे जाके चेंज करने हैं इसके लिए। तो ये भी क्लीन प्लेट हो गया, यहाँ पे मेरा टेक्स्ट आ गया है कुछ ऐसे, फाइन। अब मुझे करना क्या है, पहले तो मैं ये क्लीन प्लेट वाला जो है इसको मैं फाइल जाता हूँ फाइल में एंड देन इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ एज PNG, राइट। तो यहाँ पे मैं PNG में सेव कर लेता हूँ, ओके। तो इसको मैं लिख देता हूँ अगेन CP क्लीन प्लेट साइन बोर्ड का एंड देन इसे भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फाइल में जाकर सेव कर देता हूँ, फाइल एक्सपोर्ट PNG टेक्स्ट, फाइन। तो दोनों मेरे सेव हो गए वहाँ पे PNG में। अब यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, अब ये एक बार ट्रैक हो गया तो इसके काम हो गया यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लीन प्लेट वाला। अब मैं क्या करता हूँ मेरे को टेक्स्ट लेके आने हैं यहाँ पे, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट एंड देन क्लीन प्लेट दोनों को लेके आ जाता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा, फाइन। तो सबसे फर्स्ट मैं आ जाता हूँ यहाँ पे जो मेरे जो टेक्स्ट है राइट उसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। तो टेक्स्ट को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे कुछ ऐसे जहाँ पे मुझे चाहिए होंगे, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है कुछ ऐसा है एंड देन मैं क्या करूँगा इसी चीज़ को, सिंपल सा चीज़ है जो कि यहाँ पे मैंने बनाया है, सबको मैं मास्क करूँगा, मास्क आउट कर करके मुझे एनिमेट करने हैं वन बाय वन। तो सबसे फर्स्ट मैं क्या करूँगा ये जो मेरा टेक्स्ट है ये टेक्स्ट नंबर 1 है, तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे जाता हूँ मास्क कर लेता हूँ, सिलेक्ट करो एंड देन बहुत ही केयरफुली आपको मास्क कर लेने हैं यहाँ से। तो मैं थोड़ा सा इतने एरिया को मैं मास्क कर लेता हूँ, सी। तो ये मेरा टेक्स्ट फर्स्ट है, तो मैं इसको क्या करूँगा एंटर कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ 1, टेक्स्ट नंबर 1, ओके। एंड देन इसकी Ctrl D कर लो, Ctrl D कर लो, एक कॉपी कर लो एंड देन MM प्रेस कर दो एंड देन इसके मास्क को मैं क्या करूँगा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, राइट। तो फर्स्ट का मैंने मास्क कर लिया है जो कि हमारा यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट वाला, आप देख सकते हो। एंड देन सेकेंड में आता हूँ मैं, अब सेकेंड को भी मैं क्या करूँगा कुछ उसी तरह से ले लेता हूँ यहाँ पे, फिर से मैं मास्क में जाता हूँ एंड देन सेकेंड जो टेक्स्ट है उसे भी मैं मास्क कर लेता हूँ कुछ ऐसे। तो सेकेंड भी मास्क हो गए, इसे भी मैं क्या करूँगा Ctrl D, एक और कॉपी एंड देन अगेन M प्रेस कर दो, मास्क को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, राइट। टू, तो इसी तरह से सारे को आप मास्क पहले कर लो, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे टेक्स्ट मेरे यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, एक और Ctrl D करो बिकॉज ऑफ नीचे भी मुझे एरो वगैरह भी यूज़ करने हैं। तो इसमें से भी मैं क्या करूँगा M प्रेस करके मास्क को डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारा आ गया, अगर मैं इसको हाइड करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ से सारे मेरे टेक्स्ट आ रहे हैं, ओके। इसकी एक कॉपी कर लो Ctrl D,
एंड देन इस पे से तो ये मेरा टेक्स्ट नंबर एंटर वन, टेक्स्ट नंबर एंटर टू, सी थ्री, फोर, फाइव, मास्क कर देता हूँ अपने आरो को, तो एरो भी मास्क हो गया मेरा यहाँ पे नॉर्मल वे में, राइट। तो इसे भी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डी एंड देन यहाँ पे भी एमएम प्रेस कर दो, आई मीन एम भी प्रेस करने से हो जाएंगे, एंड देन एग्जिट को भी आपको कुछ इसी तरह से ले लेना है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने सारे का सारा मास्क कर रखा है यहाँ पे, फाइन। तो अभी मुझे क्या करना है, वन टू थ्री फोर फाइव, राइट, इन सभी को मैं क्या करूँगा यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, ओके, तो इन सभी को मैंने यहाँ पे बना दिया कुछ ऐसा आ गया यहाँ पे, एंड देन सबको मैं क्या करता हूँ राइट क्लिक करके कर देता हूँ प्री कंपोज में, सी प्री कंपोज बना लो यहाँ पे सिंपल सा, ओके, एंड देन प्री कंपोज को मैं क्या करूँगा यहाँ पे जाकर प्री कंपोज को डबल क्लिक करो, टेक्स्ट यहाँ पे आ चुके हैं, ओके, एंड देन यहाँ पे मुझे क्या करना है टेक्स्ट को, एंड देन टेक्स्ट के अंदर एक इमेज भी ले लो यार। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो मेरा क्लीन प्लेट है ना उसको यहाँ पे नीचे मैं लेके आता हूँ एज अ रेफरेंस इमेज, याद रखना रेफरेंस इमेज है ये, तो एज अ रेफरेंस इमेज मैं यूज़ करने वाला हूँ इस चीज़ को, ओके। तो अभी मुझे यहाँ पे एनिमेट करने हैं, राइट, तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, फर्स्ट तो सबसे फर्स्ट आपको जितने भी एग्जिट है ना आपको सबका जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट या एंकर पॉइंट, तो एंकर पॉइंट को आपको रीसेट करना है, तो सबसे फर्स्ट मैं ई का को रीसेट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल एंड देन डबल क्लिक करो, तो इसके एंकर पॉइंट यहाँ पे आ गए हैं, सेम उसी तरह से ई को भी आप डबल क्लिक करो कंट्रोल के साथ, इससे भी डबल क्लिक कर दो इसके साथ कंट्रोल के साथ, एंड देन टी को भी डबल क्लिक करो, तो सबके एंकर पॉइंट्स अपने अपने पास आ गए हैं। अब इसका रीज़न क्या है ना कि आप इसको एनिमेट करोगे तो रोटेशन भी बेटर तरीके से कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट मैं 7 to 10 को क्लिक किया, सिलेक्ट कर लिया सबको, एंड देन पी कर दिया पोजीशन, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा सबसे फर्स्ट पी प्रेस कर दिया पोजीशन, एंड देन पोजीशन को क्लिक किया, कुछ देर जाने के बाद इसके पोजीशन को मैं नीचे कर देता हूँ वाई एक्सिस में, तो एक्स एंड देन वाई, आई थिंक नाउ दिस इज़ फाइन, सी, एंड देन सबको सिलेक्ट करके आपको करना है क्या है यहाँ पे F9 प्रेस कर दो या फिर आप ईजी ले लो सिंपल वे में, सी। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि आपके टेक्स्ट ऐसे गिरे हैं, बट तो सर रोटेशन भी होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर लगेंगे, तो यहाँ गिरने के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे जैसे ही टच हो ई प्रेस कर दो, आई मीन आर प्रेस कर दो फॉर रोटेशन, ओके, एंड देन सबके रोटेशन को इनेबल कर दो, थोड़े से आगे जाकर क्या होएगा इसके रोटेशन थोड़े बहुत ऐसे होकर फिर से ज़ीरो में हो जाएंगे, राइट, ओके, सी, फाइन। तो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो।
तो अभी मुझे क्या करना है, सारे हो जाने के बाद आप चले जाओ कॉम्पोजिशन में। यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट है, ये कॉम्पोजिशन में आ गया मेरा यहाँ पे, राइट। अब मुझे क्या करना है, अगेन मैं एक अपने जो वीडियो को मैंने जो ट्रैक किया था उस पर मैं आ जाता हूँ, ट्रैक वीडियो को क्लिक कर दो यहाँ पे, फाइन। एंड देन इसी चीज़ को मैं क्या करूँगा, यहाँ से फर्स्ट हाइड कर देता हूँ अपने प्री कॉम्प को, सी। एंड देन फ्रेम पे चले जाओ जहाँ पे मुझे चाहिए, इस फ्रेम पे मुझे ऐड करने हैं आई थिंक। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चले जाओ, सिलेक्शन ले लो, आई मीन नॉट दिस वन, सी। यहाँ से इतने को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी, ठीक है। राइट क्लिक करो एंड देन अगेन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सॉलिड, फाइन। सॉलिड आ चुके हैं यहाँ पे, तो इस सॉलिड को मैं रिप्लेस कर दूंगा अभी। तो मैं क्या करूँगा, अगेन प्रोजेक्ट में जाओ एंड देन जो मेरा प्री कॉम्प है ना उसको ऑल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, मीन्स रिप्लेस कर दो। तो ये हो जाने के बाद आप फिर चले जाओ इसमें, यहाँ से आप इस चीज़ को हटा दो, जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ना उसको आपको रिमूव कर देना, सीपी को आप कम्प्लीटली डिलीट कर दो, बिकॉज सिर्फ मुझे टेक्स्ट चाहिए थे इसके लिए, मैंने सिर्फ एक रेफरेंस इमेज के लिए मैंने रखा हुआ था, उसको आप डिलीट करो एंड देन फिर चले जाओ यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको रिप्लेस कर दूँगा, सी। तो फर्स्ट ओके, तो अब आपको करना क्या है, फिर से आप चले जाओ यहाँ पे, आपको जो जिसको आपने ट्रैक किया था उसे सिलेक्ट कर लो, इफ़ेक्ट्स में जाओ, 3D में चले जाओ, जो मेरा 3D कैमरा ट्रैकिंग पॉइंट्स है उसको आप सिलेक्ट कर लो, राइट। कुछ ऐसा जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे रेफरेंस मिले सिलेक्ट कर लो कुछ ऐसे, फाइन। राइट क्लिक, सॉलिड आ गया, सॉलिड कुछ ऐसे। एंड देन इस सॉलिड को मैं रिप्लेस कर दूंगा अपने प्री कॉम के थ्रू, प्री कॉम से। तो फर्स्ट सेलेक्ट करो, ऑल्ट प्रेस करो एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इसके ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा अभी भी कुछ टेक्स्ट यहाँ पे हैं जो कि प्रॉपर वे में अरेंज नहीं हुए हैं। तो आप इसको क्या करो, फर्स्ट यहाँ पे आप आ जाओ, क्लिक करो यहाँ पे एंड देन पहले तो इसको बाहर निकालो, थोड़ा सा क्लिक करो, टेक्स्ट को थोड़ा सा बाहर निकाल लो यहाँ पे, जहाँ पे भी आपको चाहिए होंगे टेक्स्ट, फाइन, सी। अब यहाँ पे टेक्स्ट को मुझे थोड़ा प्रॉपर अरेंज करने हैं यहाँ पे अपने इसके अकॉर्डिंग, जो मेरा यहाँ पे वीडियो फुटेज है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में चला जाता हूँ एंड देन यहाँ स्केल कर लेता हूँ, ओके। स्टार्टिंग में चले जाओ आप, सी, स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा बेटर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, एंड देन थोड़े से साइज आप इंक्रीज कर लो, राइट। एंड देन थोड़ा सा प्रॉपर अलाइनमेंट मुझे करने हैं, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, पोजीशन ठीक है, एक्स एंड वाई, एग्जिट मैंने ले लिया यहाँ पे, फाइन। एंड देन आप देखो थोड़ा सा प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है या नहीं। तो कुछ इस तरह से आप बहुत सिंपल वे में जो फॉलिंग टेक्स्ट है वो बना सकते हो आप। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और आपने कुछ नया सीखा होगा कि किस तरह से हम लोग फॉलन टेक्स्ट आप बना सकते हो या टूटता हुआ सा टेक्स्ट बना सकते हो एंड देन इसको आप अपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स एंड देन पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।